हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नोम। दोस्तों स्टैटिक जीके की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, स्टैटिक जीके मैंने बोला जी मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सारे ही जितने एग्जाम्स होते हैं, ये एसएससी में भी आपको पूछा जाता है, जेकेएसएसबी भी पूछेगा, ये सारे एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है स्टैटिक जीके। इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। डांसेस के बारे में पढ़े हमने, डांसेस क्लासिकल डांस पढ़ लिए, फोक डांसेस पढ़ लिए दोस्तों, और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज भी हमने देख ली दोस्तों। जेकेपी में आपको हेल्प करेगा, नायब तहसीलदार में आपको हेल्प करेगा, और इसके बाद में दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में हेल्प करेगा, मतलब सारी एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। तो इसको देखना आप ना भूलें, इसमें जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड जीके भी आएगी, इसमें इंडिया की इंपॉर्टेंट जीके भी आएगी, और इसमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे दोस्तों जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करा कोई नहीं रहा बट एग्जाम देखा जाता है दोस्तों। आज का जो हमारा सीरीज है दोस्तों वो है वेरी इंपॉर्टेंट करेंसी नोट्स एंड मोटिव्स। हर एक करेंसी नोट के पीछे एक इमेज लगी हुई है दोस्तों, और वो इमेज आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी। बताओ जी इस वाले नोट के पीछे ऑन द बैक साइड ऑफ दिस करेंसी नोट किस चीज की इमेज है, किस चीज की इमेज है, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, बड़े ध्यान से इत्मीनान से रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये नोट देखते हैं दोस्तों। आज नोटों को देख देख के हम इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि ये स्टैटिक जीके हमेशा चलती है, रात को 8 बजे ये आपको क्लास देखने को मिलती है, ज़रूर आप इस क्लास को लगाएं। इसके साथ साथ में हमारी टीम जेकेपी की क्लासेस भी आपके लिए यूट्यूब पे लगा रही है, आप उसको भी देखेंगे। फर्दर कोई भी आपको कोर्स के रिलेटेड कुछ इंक्वायरी हो ये आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, 9149636808 के ऊपर क्लास को करेंगे स्टार्ट। चलो भाई जल्दी टाइम नहीं लेते दोस्तों, नोट चल के हमारा 10 से दोस्तों। इससे पहले 5 का नोट भी होता है, याद रखना 5 का नोट भी होता है, उसके पीछे ट्रैक्टर होता है। ठीक है चलो भाई याद करेंगे हम 10वीं ठीक है। चलो भाई नंबर वन हमारे पास है 10 रुपये का नोट याद रखना दोस्तों, 10 रुपये का नोट। अच्छा उससे पहले मैं ना आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नोट होता है, नोट के ऊपर एक साइन होता है, नोट के ऊपर एक साइन होता है, वो होता है गवर्नर का। आप भी बोल रहे हो फटाफट बोल दिया सर गवर्नर का हमें पता है भाई, इजी है, सभी को पता है। ठीक है गवर्नर का साइन होता है दोस्तों। आपने मेरे को बताना जो हमारा प्रेजेंट गवर्नर है, आप बोलोगे सर वो ये भी पता है भाई, ये भी नहीं बताना क्वेश्चन, वो तो शक्तिकांत दास साहब हैं हमें पता है। आपको बताना उनका नंबर क्या है, कितने नंबर के वो हैं। ठीक है जी चलो अभी ऑप्शन दूंगा, 25, 26, 27 या फिर 24, इन चार ऑप्शन में से बताना है भाई उनका नंबर क्या है, कौन से नंबर के गवर्नर हैं। चलो भाई दस का नोट के पीछे आगे तो आपको बापू गांधी साहब दिख रहे हैं, हर इमेज में दिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे किसके थ्रेड भी होता है याद रखना, इसको सिक्योरिटी थ्रेड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है याद रखना, यहाँ पे एक साइन होता है, एक नंबर होता है दोस्तों। ठीक है देन यहाँ पे कुछ सीक्रेट नंबर होते हैं, यहाँ पे कुछ लेटेंट इमेजेस होती है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। सीधा आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपको चक्र दिख रहा है। ठीक है और ये चक्र जो है दोस्तों ये एक टेम्पल में लगा हुआ चक्र, ये टेम्पल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ओडिशा में, और ये है डेडिकेटेड टू गॉड सन, इसको बोलते हैं कोणार्क सन टेम्पल दोस्तों याद रखना कोणार्क सन टेम्पल। चलो कोणार्क सन टेम्पल की बात कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि कोणार्क सन टेम्पल बनाया किसने दोस्तों, राजा का नाम है नरसिम्हा, याद रख लेना ये, ऐड कर लेना। ठीक है ऐड कर लेना, नरसिम्हा देव फर्स्ट। डायनेस्टी कौन सी है, गंगा डायनेस्टी, कौन सी है दोस्तों गंगा डायनेस्टी। लोकल डायनेस्टीज इनके बारे में हम कम पढ़ते हैं। ठीक है चलो भाई तो नरसिम्हा देव जो है वो नरसिम्हा देव ने बनाया है और गंगा डायनेस्टी है दोस्तों। आपको सिंपल सवाल पूछ लेगा, इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है दोस्तों, यूनेस्को की इंपॉर्टेंट साइट है। अगला दोस्तों 20 रुपए का नोट, ये 20 रुपए का नोट आपको हूबहू ये पिलर दिखाई दे रहा है, और पिलर के साथ में ये एक टेंपल भी दिखाई दे रही है दोस्तों। ये है दोस्तों केव टेंपल्स कौन सी हैं, एलोरा कहाँ पे है दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र दोस्तों। ये जो केव्स हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत सारी ग्रुप ऑफ केव्स हैं, ये केव्स आप देखेंगे जैनिज्म, इनके जहाँ पे टेम्पल्स जो देखने को मिलते हैं इट इज़ रिलेटेड टू जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। ठीक है
और ये आपकी है एलोरा केव्स। याद रखना एलोरा केव्स किसने बनवाई थी दोस्तों, याद रखना राष्ट्रकूटा किंग्स ने बनाई थी, राष्ट्रकूटा, ठीक है, राष्ट्रकूटा दोस्तों, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इलाके से दोस्तों रूल किया करते थे राष्ट्रकूटास, याद रखेंगे राष्ट्रकूटास। यहां पे दोस्तों आपको एक टेम्पल भी देखने को मिलता है, फेमस कैलाश टेम्पल, ठीक है, सबसे बड़ी जो टेम्पल है, केव टेम्पल है, वो है कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल दोस्तों बनाने वाले बंदे कौन है, कृष्णा फर्स्ट, राजा कृष्णा फर्स्ट करके ये बंदे हैं। कौन सी डायनेस्टी, अगेन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी दोस्तों, ठीक है जी, राष्ट्रकूटा याद रखना, एलोरा राष्ट्रकूटा, एलोरा राष्ट्रकूटा, ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 50 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 50 रुपए के नोट के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, हम्पी का रथ, चैरियट ऑफ हम्पी। हम्पी कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटका में, हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो ये जो चैरियट है दोस्तों, ये पत्थर है, ये पत्थर को काव कर करके, पत्थर को काव कर करके ये चैरियट बना हुआ है प्रॉपर, ये सामने आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, हाथी है दोस्तों बनाए हुए, और पीछे चैरियट है, ये इसका पहिया बनाया है, ये तो रॉक की कार्विंग हुई है। आप देख रहे हैं क्या आर्किटेक्चर है, जबरदस्त, क्या जबरदस्त आपके स्कल्पचर बनाने वाले ये बंदे हैं, ठीक है जी। तो 50 रुपए के पीछे आपको मिलता है हम्पी का रथ दोस्तों, ये हम्पी का रथ कहाँ पे मिलने का देखने को मिलेगा, कर्नाटका में दोस्तों। और ये विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बना है, विजयनगर एम्पायर। और अगर किंग पूछा तो कृष्ण देव राया, याद रखेंगे क्या नाम है, कृष्ण देव राया, कृष्णदेव राया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स याद रखना, लिख लेना कहीं पे, ठीक है, कृष्णदेव राया याद रखना, कृष्णदेव राया। अच्छा यार चलो एक चीज और मैं करूंगा आप तुम्हारे लिए, एक चीज और करता हूँ, स्टैटिक जीके के जितने भी ये कंपोनेंट है फ्री मटेरियल में ऐड कर देता हूँ, स्टैटिक जीके के सारे पीडीएफ फ्री मटेरियल में ऐड कर देता हूँ, कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो मेरे भाई, ठीक है जी, एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लो, वहाँ पे फ्री मटेरियल, कोई फ्री टेस्ट वेस्ट भी आपको देने की कोशिश जरूर करेंगे, तो वहाँ से आपके मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपके 100 रुपये, ये 100 रुपये के आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है रानी की वाव, रानी की वाव, रानी की वाव का मतलब होता है दोस्तों क्वींस स्टेपवेल, क्वींस स्टेपवेल, सेवन स्टेयर लेवल्स दोस्तों याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रानी की वाव क्या है दोस्तों, रानी की वाव बेसिकली कुछ नहीं है, एक टेम्पल ही समझिए, बेसिकली स्टेपवेल है, स्टेपवेल है, इसको आप इन्वर्टेड टेम्पल बोल सकते हैं। इन्वर्टेड टेम्पल का मतलब क्या सर, यूजुअली ये जमीन का लेवल है तो टेम्पल आपका इस तरीके से, टेम्पल आपका बनता है, ठीक है, पेंडिंग मेरी थोड़ी गंदी है, थोड़ी समझना, ऐसे टेम्पल बनता है दोस्तों जमीन के ऊपर। और दोस्तों ये मान लो ये जमीन है, इन्होंने ये जमीन के ऊपर नहीं, ये जमीन के अंदर बनाया दोस्तों, ये जमीन है इस तरीके से, ये इस तरीके से, क्या क्या दोस्तों कारीगरी के क्या अजूबे हैं, 7 लेवल है दोस्तों, देखने में अचंबा है दोस्तों, मान ही नहीं सकता बंदा। ऊपर देखोगे जमीन फ्लैट है यार, जमीन आप चल रहे हो ऐसे, देन आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे हम बेसमेंट बनाते हैं ना, तो बेसमेंट 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 बना के इस तरीके से ये टेम्पल बनाया, जबरदस्त दोस्तों। गुजरात के पटन में आपको देखने को मिलता है रानी की वाव, रानी ने दोस्तों ये बनाया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है उदयमती, क्या नाम है, रानी उदयमती दोस्तों, उदयमती, ठीक है जी। किसकी वाइफ थी, अपने पति की याद में बनाया था, वाइफ ऑफ राजा भीम फर्स्ट, ठीक है जी, रानी उदयमती भीम फर्स्ट की वाइफ थी, इनकी याद में इन्होंने ये वेल जो है दोस्तों ये बनाया था, स्टेप वेल, ठीक है। चलो भाई डायनेस्टी कौन सी है, चालुक्या को ही सोलंकी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, सोलंकी डायनेस्टी के नाम से, इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे नीचे 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 आप चलते जाएंगे और आपको ऐसे पिल्लर्स और ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, खूब कारीगरी के नमूने हैं दोस्तों। नेक्स्ट फेमस सांची स्तूप दोस्तों, 200 रुपए के नोट के ऊपर आपको देखने को मिलता है सांची स्तूप को सभी जानते हैं,
ये अशोक मौर्या, मौर्यन डायनेस्टी दोस्तों, आफ्टर द कलिंग वॉर दोस्तों ये बनवाया था, याद रखना, सांची स्तूप। और आने वाले कई जो रूलर्स थे बाद में आप देखेंगे, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग है, इनके टाइम पे इसको रिवाइव टाइम टू टाइम किया गया, बट इसका क्रेडिट जो है अशोक मौर्या को जाता है, इन्होंने सांची स्तूप बनाया दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द, बोल रहा हूँ ठीक है जी। और स्तूप दोस्तों ये जो है ये बुद्धिज्म को डेडिकेटेड होता है, आपको पता है बुद्धिज्म का टेंपल समझ लें आप, उस तरीके से ये होता है दोस्तों। यूनेस्को की साइट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट यूनेस्को की साइट है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों, 500 रुपए का नोट दोस्तों सबसे ज्यादा चल रहा है, जैसे 500 रुपए का नोट दोस्तों, 500 रुपए में तो वेरी फेमस आपको लाल किला देखने को मिलता है, यानी कि रेड फोर्ट। 500 रुपए पे क्या मिलता है, रेड फोर्ट देखने को मिलता है। सभी को बताया दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहान ने इसको बनवाया था, शाहजहान ने इनको बनवाया था, बाबर, बाबर का आगे चल के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, तो अकबर का बेटा शाहजहां जो है इसको ग्रेट बिल्डर के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन पीरियड फॉर आर्किटेक्चर या फिर मॉन्यूमेंट, सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स इसी ने बनाए थे दोस्तों, ठीक है। चलो जी, रेड फोर्ट पे है हमारा लाल किला, लाल किला एंड रेड फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास मंगलयान, ठीक है, 2000 रुपये के नोट के पीछे दोस्तों मंगलयान है। मंगलयान दोस्तों क्या है, ये एक मार्स ऑर्बिटर, मार्स ऑर्बिटर मिशन था दोस्तों, मार्स ऑर्बिटर मिशन था, 2013 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। मार्स यानी कि मंगल, मंगल ग्रह पे मार्स के ऊपर ऑर्बिट हमने भेजा था, वो उसको ऑर्बिट करेगा और उसकी स्टडी हमें तब हमारे पास पहुंचती है दोस्तों। इसरो ने दोस्तों इसको लॉन्च किया था, इसरो ने दोस्तों इसको लॉन्च किया था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है जी। तो चलो भाई, मंगलयान, मंगलयान तो ये हमारे नोट से ये हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो भी हम किसी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के कॉम्पोनेंट को देखेंगे। रोज 8 बजे मैं आपके साथ मिलता हूँ, आप आया करो, कमेंट किया करो यार, मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स, कमेंट्स वगैरह करा करो, आपकी क्वेरीज लिखा करो, तो अच्छा लेक्चर लगता है ये भी बोल के जाया करो, सर लेक्चर अच्छा दिया है, बुरा दिया तो भाई बुरा भी बोल दिया करो, लेकिन बोला करो यार कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा आपने बताना है शक्तिकांत दास जो है कितने नंबर के गवर्नर हैं, आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है कितने, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको ये बताना है, रानी की वाव जो है ये किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई सिंपल, ये दो क्वेश्चन का जवाब दो दोस्तों, आप कमेंट पे, मैं देखूंगा, मैं लाइक करूंगा। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।